नए अध्याय से डिफेंस पर भी बात आती है। हमने जिस हिसाब से डिफेंस के ऊपर इस सरकार का फोकस देखा है, काफ़ी लंबे समय तक नहीं देखा, बड़ी बड़ी कंपनियां काफ़ी आगे ग्रोथ की बात करती हैं, डिफेंस को आप कैसे एनालाइज करते हैं? एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, यहाँ मौके बन सकते हैं अच्छे? मौके बन चुके हैं ऑलरेडी यार। डिफेंस के शेयर देख, तीन तीन गुना चार चार गुना हो गया भाई। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 950 रुपया में, कितना में वो एफपीओ क्या बोलते हैं उसने कुछ किया था 850-900 रुपया में यार, 3500-3700 कुछ भाव हो गया, चार गुना हो गया भैया। इसी तरह और भी सारे शेयर सब दो गुना तीन गुना चार गुना हो गया, तो एक अच्छा रन तो आ गया पिछले 2 साल में डिफेंस में। तो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है वो इसी के थ्रू कर रही है, डिफेंस के थ्रू कर रही है, रेलवे के थ्रू कर रही है। रेलवे में क्या कैपेक्स हो रहा है, रेलवे में कर रही है, रोड रोड के थ्रू हो रहा है। तो ये स्टोरी ऑलरेडी प्ले आउट बहुत हद तक हो गई है, लेकिन ये आगे और कई साल चलेगा मेरे को ऐसे लग रहा है। स्टॉक बीच बीच में आपको लगेंगे एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो ये स्टॉक एक्सपेंसिव भी होंगे क्योंकि इनकी रिरेटिंग हो रही है। पहले ये 5-7-8-9-10 के पी में मिलते थे भाई, अभी ये शेयर आपको 25-30 के पी में मिलने वाले हैं और वहां पर मेंटेन होने वाले हैं। अभी ये ऐसा नहीं है, मेरे को बबल नहीं लगता। 3700 का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो सकता है 3000 हो जाए, 3200 हो जाए, मालूम नहीं है, या नहीं भी हो ये नहीं मालूम है, लेकिन उसकी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है। इनमें जो मोमेंटम है मेरे को लग रहा है ये शुरुआत हुई है, ये कुछ सालों तक रहना चाहिए।